हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग अपने व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पर अपनी पिक्चर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी स्क्रीन लगती है, तो टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। जी तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो जीपी व्हाट्सएप को जो है वो डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन में है, तो इसको जो है हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग जो है वो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है, सिंपल और सादा सा, ठीक है। हम लोगों ने सिंपल ही क्या करना है, ये ऊपर तीन डॉट्स है, इस पर क्लिक करेंगे और जो है वो चले जाएंगे, इसकी ये मेन्यू ओपन हो जाएगी जी बी सेटिंग में, ठीक है। तीन डॉट्स पर क्लिक करने के बाद जी पी सेटिंग में आ जाएंगे। जी पी सेटिंग में आने के बाद जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है डे थीम, ठीक है, इस पर जो है हम लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो देखें होम का जो है ऑप्शन है, इसमें एडिट कलर, ठीक है, और हम लोगों ने जो है वो सिंपल एडिट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो है वो जहाँ पर प्लस का निशान है इस पर क्लिक कर देंगे और चले जाएंगे अपनी गैलरी में, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग एक अपनी पिक्चर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जी पिक्चर को जो है हम लोगों ने मार्क लगा लिया। अब यहाँ ऊपर ओपन का जो है वो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास व्हाट्सएप में जो है वो हमारी इमेज आ चुकी है। अब ये ऊपर डन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो है वो सेट हो चुका है, ठीक है। अभी ये प्रीव्यू ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप लोगों को बता रहा है कि ये इस तरह का जो है वो आप लोगों का शो होगा, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने क्या करना है, ये सिंपली नीचे सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो है वो थीम का नाम रख लेते हैं, ठीक है। थीम का नाम हम लोग रख लेते हैं बिलाल, ठीक है, बिलाल। और यहाँ से जो है वो नीचे से सेव कर देते हैं। जैसे ही हमारे पास ये सेव हो जाएगा कि जी तो हमारे पास जो है वो हमारी होम स्क्रीन पर जो है हमारी इमेज सेट हो चुकी है, ठीक है। तो इसी मेथड के साथ जो है वो आप लोग अपनी इमेज भी इसी तरह अपने होम व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हम लोग एक और आपको हिंट देते चलते हैं कि अगर हम लोग किसी भी एक इनबॉक्स फाइल को जो है वो ओपन करते हैं, मसलन ये वाली फ़ाइल को हम लोग ओपन कर लेते हैं, ये ऊपर तीन डॉट्स हैं, इसको जो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ये वॉलपेपर पर आ जाएंगे। वॉलपेपर में आने के बाद ये गैलरी का ऑप्शन है, इस पर चले जाएंगे। इस पर जाने के बाद जो है हम लोग अपनी इमेज को जो है वो ले लेते हैं। इस पर क्लिक किया इमेज पर और जो है वो यहाँ से इसको नीचे से सेट कर दिया, ठीक है। ये नीचे से सेट कर देते हैं तो ये देखें तो हमारी जो है वो इनबॉक्स फाइल में भी हमारी इमेज जो है वो सेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखें अगर हम लोग ओपन करते हैं अपनी किसी भी फाइल को तो ये हमारे पास ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो इसी मैटर के साथ जो है आप लोग अपने व्हाट्सएप होम स्क्रीन में, उसके अलावा जो है वो इनबॉक्स मैसेज में जो है वो उसका बैकग्राउंड पर अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय, सी यू, टेक केयर।